वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें एक ही स्टेज पे प्रीमियम था, तो या तो वो मिलता था या वो नहीं मिलता था। इस क्वेश्चन में मल्टीपल स्टेजेस पे प्रीमियम है, तो कुछ प्रीमियम होगा जो आपको मिल चुका है, कुछ प्रीमियम होगा जो आपको नहीं मिला है। सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ही क्या है फोर फीचर का प्रीमियम में, कि प्रीमियम अगर मिल गया तो इग्नोर कर दो, नहीं मिला तो रिवर्स कर दो। अब इस क्वेश्चन में जो सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट होने वाला है वो क्या होने वाला है, कि कुछ प्रीमियम आपको मिल चुका है, कुछ नहीं मिला है, तो क्या करेंगे। कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, जितना प्रीमियम मिल चुका है उतने को इग्नोर कर देंगे, जितना नहीं मिला उतने को रिवर्स कर देंगे। ध्यान से देखना, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। VXN Limited invited application for issuing 50,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of rupees 8 per share. 10 रुपए face value, 8 rupees premium, तो issue price हो गया 18. तो ध्यान से देखना, application for including premium, तो क्या हो गया ये 2 plus 2, 6 including premium, तो ये क्या हो गया 3 plus 3, 5 including premium, 4 plus 1 balance. अब balance ध्यान से देखना, 4, 3, 7, 2, 9, तो face value 1, premium कितना है 8 per share, तो final call में क्या रहा होगा 2 rupees. Face value securities premium reserve given 2 plus 2, 3 plus 3, 4 plus 1. अब जो total face value है वो 10 है, 5, 9, 10, तो ये बैलेंसिंग फिगर हमने कैलकुलेट करे। फाइनल कॉल जो है फेस वैल्यू 1, प्रीमियम 2, 5, 6, 2। इस कैलकुलेशन में किसी कोई डाउट? नो सर। ओके, द इशू वाज फुली सब्सक्राइब्ड। गोपाल, अ शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर्स, डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। माधव, इसने अलॉटमेंट मनी नहीं दी गोपाल ने। माधव, अ होल्डर ऑफ 400 शेयर्स, पेड हिज एंटायर मनी अलोंग विद अलॉटमेंट मनी। बताओ, एक तरफ गोपाल है जिसने अलॉटमेंट ही नहीं दी, और एक तरफ माधव है जिसने अलॉटमेंट के साथ फर्स्ट कॉल भी दे दी और सेकंड कॉल भी दे दी। तो आपके कॉल्स इन एरियर्स के कॉन्सेप्ट भी यूज होंगे, कॉल्स इन एडवांस के कॉन्सेप्ट भी यूज होंगे, फॉर फ्यूचर के कॉन्सेप्ट भी यूज होंगे, और प्रीमियम मिला या नहीं मिला वो कॉन्सेप्ट भी यूज होंगे। बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, जो सुन चुके हैं वही यूज होगा। लेकिन गोपाल्स शेयर्स वर इमीडिएटली फॉरफीटेड आफ्टर अलॉटमेंट, आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट कॉल वाज मेड। पहले यहां तक की कहानी कवर कर लें, ठीक है ना? अलॉटमेंट तक की कहानी तो यही रहेगी, अब चेंज तो नहीं हो जाएगी। उसके बाद तो फर्स्ट कॉल की कहानी है जो भी है। तो फुली सब्सक्राइब्ड है, 50,000 शेयर्स हैं, तो एप्लीकेशन मनी पहली एंट्री क्या होगी, बैंक टू एप्लीकेशन 50,000 इंटू 4, 2 लाख। एप्लीकेशन मनी जो आई, कुछ फेस वैल्यू है कुछ प्रीमियम है, तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिटेड टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। पैसे कितने मिले 50,000 इंटू 4, इसमें से फेस वैल्यू क्या थी 2 रुपीज, तो 50,000 इंटू 2 कैपिटल में चले जाएंगे, 50,000 इंटू 2 प्रीमियम में चले जाएंगे। कोई भी डाउट? नो सर। ओके, अलॉटमेंट पे इंटरेस्टिंग पार्ट है। अलॉटमेंट का आपको वर्किंग नोट बनाना चाहिए कि मनी रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, ड्यू की एंट्री तो नॉर्मल है, शेयर अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम 50,000 इंटू 6, 3 लाख ड्यू थे 50,000 इंटू 6, जिसमें से फेस वैल्यू 3 रुपीज, प्रीमियम 3 रुपीज, अलॉटमेंट मनी ड्यू। इसमें कोई डाउट? नो सर। अब मजा आएगा मनी रिसीव्ड में। सिंपल सा फॉर्मेट जो आपको पहले भी बताया हुआ है, कैलकुलेशन ऑफ मनी रिसीव्ड, मनी ड्यू कितनी थी, लेस कॉल्स इन एरियर्स कितने पैसे नहीं मिले, एड कॉल्स इन एडवांस एक्स्ट्रा पैसे कितने मिल गए। यही फॉर्मेट करा था हमने जब कॉल्स इन एडवांस कॉल्स इन एरियर्स एक साथ क्वेश्चन करा हुआ ना हमने,
तो जो पैसे नहीं मिले वो माइनस कर दो, जो एक्स्ट्रा मिल गए वो ऐड कर दो। मिलने चाहिए थे 50,000 × 6 3 लाख। गोपाल ने 200 शेयर्स पे अलॉटमेंट मनी नहीं दी तो कितने रुपए नहीं दिए? 1200। माधव ने 400 शेयर्स पे क्या किया? फर्स्ट कॉल और सेकंड कॉल भी एक साथ दे दी। अब सेकंड कॉल अगर आपने नहीं निकाली तो गलती हो जाती, यस और नो? तो इसलिए पहले आपको बैलेंस, ये सबसे पहले आपको ये वर्किंग करके निकालनी चाहिए कि सेकंड कॉल है कितनी। तो फर्स्ट कॉल का टोटल था 5 इंक्लूडिंग प्रीमियम, सेकंड कॉल 3, तो ये एडवांस आया है उसका। फर्स्ट कॉल का 2000, सेकंड कॉल का 1200, तो टोटल पैसे कितने मिले? 3,02,000 इस अलॉटमेंट पे। इस कैलकुलेशन में किसी को डाउट? नो सर। अब ध्यान से देखना जर्नल एंट्री क्या होगी। बैंक में पैसे आएंगे 3,02,000, एरियर्स डेबिट होगा 1200 से, टू शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट पे 3 लाख मिलने चाहिए थे, टू कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस में टोटल कितना आ जाएगा? 3,200। तो एंट्री क्या हुई? बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एरियर्स डेबिटेड, टू शेयर अलॉटमेंट, टू कॉल्स इन एडवांस। कोई भी डाउट अभी तक? क्लियर है? यस सर। गोपाल के शेयर्स फॉरफिट हो गए। अब ध्यान से देखना मजेदार पॉइंट, अब ये पॉइंट यूज हो जाएगा ना। गोपाल के शेयर्स फॉरफिट हो रहे, गोपाल ने एप्लीकेशन मनी तो दी थी, अलॉटमेंट मनी नहीं दी थी, यही हुआ है गोपाल के साथ। गोपाल फेल्ड टू पे अलॉटमेंट मनी एंड हिज शेयर्स वर फॉरफिटेड। गोपाल ने एप्लीकेशन मनी दी मतलब जो एप्लीकेशन पे प्रीमियम था वो मिल चुका है। गोपाल ने अलॉटमेंट मनी नहीं दी तो अलॉटमेंट पे जो प्रीमियम है वो नहीं मिला, तो जो गोपाल का एप्लीकेशन का प्रीमियम था 2 रुपए, उसको इग्नोर कर दो कि जैसे वो कभी था ही नहीं। और जो अलॉटमेंट का प्रीमियम है 3 रुपीज, वो मिला नहीं, वो रिवर्स कर दो। क्या एंट्री होती है फॉरफीचर की? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिटेड, टू कॉल्स इन एरियर्स, टू शेयर फॉरफीचर। बस ध्यान क्या रखना है कि जो प्रीमियम मिल चुका है, ये जो इसके 2 रुपए गोपाल के मिल चुके हैं प्रीमियम के, इसको इग्नोर कर देंगे फॉरफीचर के टाइम। तो क्या एंट्री हो जाएगी? गोपाल के कितने शेयर्स हैं? 200 शेयर्स। शेयर कैपिटल इज डेबिटेड विद द फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन, तो फेस वैल्यू कॉल्ड अप कितना है? 5 रुपीज, 200 × 5। तो ध्यान से देखना गोपाल की एंट्री 200 × 5 1000। प्रीमियम जो नहीं मिला, एप्लीकेशन का मिल चुका था, अलॉटमेंट का नहीं मिला, तो सिर्फ अलॉटमेंट का रिवर्स होगा। एरियर्स, जो पैसे नहीं मिले, अलॉटमेंट मनी नहीं दी उसने, 6 रुपीज थी अलॉटमेंट मनी, 200 × 6 1200। गोपाल ने, ध्यान से देखना, एप्लीकेशन थी 2+2, अलॉटमेंट थी 3+3, उसने एप्लीकेशन मनी दी थी 4 × 200, यस और नो? लेकिन अगर आप प्रीमियम इग्नोर कर देंगे तो फिर कितने पैसे दिए उसने? 200 × 2 400। तो समझ आया कि जो पैसे मिल चुके हैं उसमें से प्रीमियम इग्नोर करना पड़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसने तो पूरी एप्लीकेशन मनी दी थी, एप्लीकेशन मनी तो 4 रुपए थी, तो हम फॉरफिटेड शेयर्स या शेयर फॉरफीचर में सिर्फ और सिर्फ 2 रुपए क्यों ले रहे हैं? क्योंकि प्रीमियम को इग्नोर करा जा रहा। कोई भी डाउट फॉरफीचर की एंट्री? क्लियर है? यस सर। पक्का? किसी को कोई डाउट? कोई पार्ट मुझे अभी तक दोबारा एक्सप्लेन करने की जरूरत? अक्षत? राघव? नो सर। अब ध्यान से देखना, गोपाल के शेयर्स फॉरफिट हो गए हैं, ऐसा तो नहीं बोल रहे कि रीइशू करे हमने। आफ्टरवर्ड्स द फर्स्ट कॉल वॉज मेड, तो रीइशू की तो अभी रीइशू तो नहीं हुए। तो अगर आपके पास 50,000 शेयर्स थे, अगर आपके पास 50,000 शेयर्स थे जिसमें से 200 फॉरफिट हो चुके हैं, तो आप जब फर्स्ट कॉल मांगोगे और कुछ एडवांस भी आया हुआ है माधव का 400 शेयर्स पे,
आप जब फर्स्ट कॉल मांगेंगे तो 50,000 शेयर्स पे मांगेंगे या 49,800 शेयर्स पे मांगेंगे गोपाल के हटा के, या 49,400 शेयर्स पे मांगेंगे कि गोपाल को भी हटा दो और माधव को भी हटा दो? फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स पे, ड्यू की एंट्री की बात हो रही है अभी, कितने शेयर्स पे फर्स्ट कॉल मांगेंगे आपके हिसाब से राघव? सो 49,400। ओके, गोपाल एग्जिस्ट नहीं करता, माधव दे चुका है, तो 49,400। यस सर। अभिषेक सर 50,000। पूरे 50,000 जो शेयर्स फॉरफिट हो गए, तो क्या हो गया, पैसे तो आपको देने पड़ेंगे भाई साहब अब। ओके, हो सकता है। वीर सर 49,400। एबेन, एबेन तो खुश हो जाता होगा जब मैं उससे क्वेश्चन भी पूछ लू ना, थैंक्स। जेसन सर 49,400। जय सर 49,400। अभिनव सर 49,400। 49 के बाद समझ नहीं आया क्या बोला आपने? 49,400। ओके, करण, प्रियदर्शन, नालायकों की फौज इकट्ठी कर रखी है हमने, कॉल्स इन एडवांस रिवाइज कर लेना बेटा। उसने पैसे एडवांस में दे दिए लेकिन आपने तो नहीं मांगे, तो जब ड्यू होंगे तो पूरे कैपिटल में क्रेडिट होंगे। किसी ने एडवांस दे दिया हो तो उसके पैसे नहीं आएंगे लेकिन ड्यू की एंट्री टोटल से होगी, तो माधव से अलॉटमेंट मनी मांगी जाएगी, मिले ड्यू की एंट्री दिखाई जाएगी ना। अभी आपने जब अलॉटमेंट मनी मांगी थी तो शेयर अलॉटमेंट टू कैपिटल किया था ना, फर्स्ट कॉल का पैसा कैपिटल में अभी ट्रांसफर हुआ है क्या? नो सर। नहीं, तो फर्स्ट कॉल टू कैपिटल जब करेंगे तो जितने भी शेयर्स हैं सब पे करेंगे एक्सेप्ट गोपाल। गोपाल एग्जिस्ट नहीं करता, गोपाल एग्जिस्ट ही नहीं करता, उसके शेयर्स कैंसल हो चुके हैं, जो शेयर्स ही कैंसल हो चुके हैं। अच्छा थोड़ी ना लगेगा उससे बोलते हुए कि भाई साहब फर्स्ट कॉल ड्यू हो गई है, पैसे तो दे दो। नो, तो हम फर्स्ट कॉल कितने शेयर्स पे मांगेंगे? 49,800। बात समझ आई? गोपाल से नहीं मांगेंगे क्योंकि वो एग्जिस्ट नहीं करता। माधव की ड्यू होगी, वो जब पैसे रिसीव करने होंगे हमें उतने पैसे नहीं आएंगे क्योंकि माधव दे चुका है। तो फर्स्ट कॉल ड्यू 4 रुपए फेस वैल्यू, 1 रुपए प्रीमियम, 49,800 के हिसाब से, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो फर्स्ट कॉल 49,800 इंटू 5, कैपिटल में कितने आ जाएंगे? 49,800 इंटू 4 फेस वैल्यू और प्रीमियम था 1 रुपए। कोई भी डाउट? नो सर। ओके, ये थी फर्स्ट कॉल ड्यू। पढ़ते हैं कहानी क्या हुआ फर्स्ट कॉल में। माधव का तो एडवांस आया हुआ है, तो 400 इंटू 5 2,000 रुपीज तो एडवांस आए हुए हैं। मनी ड्यू माइनस एडवांस ऑलरेडी रिसीव, वो तो दोबारा मिलेगा नहीं। मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ? मनी रिसीव एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉल। तो माधव के 2,000 तो आने नहीं है, और गिरधर अ होल्डर ऑफ 300 शेयर्स। अच्छा नहीं, इसमें भी डबल का नहीं पीछे, सॉरी, अच्छा हुआ मिस नहीं हुआ। कृष्णा, उन्होंने कहा आप बोर हो रहे हो लगता है, थोड़े से और लोग बुलाते हैं हम, गोपाल तो रहा नहीं हमारे बीच, सिर्फ माधव ही था, तो चलो और इंसान को बुलाते हैं। कृष्णा अ होल्डर ऑफ 100 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। कृष्णा ने 100 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो 100 इंटू 5 500 उसके एरियर्स हो गए। एंड गिरधर अ होल्डर ऑफ 300 शेयर्स पेड द सेकंड कॉल मनी अलोंग विद फर्स्ट कॉल। क्वेश्चन सिर्फ लेंथी होता जा रहा है, आप कहानी ब्रेक कर करके करें। अब मुझे ये क्या, फर्स्ट कॉल ड्यू तो हो चुका है, अब तो कहानी सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट कॉल रिसीव्ड की है, कि जब पैसे आए तो टोटल पैसे आए कितने। अकाउंट्स को भूल जाते हैं, कॉमन सेंस की अगर बात करें, कितने मिलने चाहिए थे, माइनस माधव तो ऑलरेडी दे चुका है, माइनस कृष्णा ने दिए नहीं,
प्लस गिरधर ने कुछ एक्स्ट्रा दे दी। फॉर्मूला समझ आया? मनी ड्यू माइनस एडवांस ऑफ माधव ऑलरेडी रिसीव्ड माइनस एरियर्स ऑफ कृष्णा प्लस एडवांस ऑफ गिरधर फॉर द सेकेंड कॉल। कोई डाउट? नो सर। कैलकुलेशन देखते हैं, क्या किस चीज की? मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल, मनी रिसीव्ड ऑन फर्स्ट कॉल। मनी ड्यू 49,800, सबसे पहला पार्टी इंपॉर्टेंट था कि 49,800 शेयर्स हैं। माधव का ऑलरेडी आया हुआ है, वो 2000 तो मिलेंगे नहीं। एरियर्स कृष्णा ने 100 शेयर्स पे दिए नहीं 500 रुपए। गिरधर ने सेकंड कॉल एक्स्ट्रा दे दी, तो सेकंड कॉल 3 रुपीज की थी, फर्स्ट कॉल तो देनी देनी थी, वो तो ड्यू में ऑलरेडी इंक्लूडेड है। एक्स्ट्रा कितने आए सेकेंड कॉल के? तो -2000 -500 +900 मनी रिसीव 2,47,400। इसकी कैलकुलेशन में किसी को डाउट? अब ध्यान से देखना, एंट्री बड़ी मजेदार है। बैंक अकाउंट डेबिटेड 247,400, बैंक में तो आ गए 247,400। जो पुराना एडवांस अब यूज हो रहा है, मतलब जो लायबिलिटी थी उतनी कम हो जाएगी। जब आपने पैसे एडवांस में रिसीव करे तो कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट कर दिया, आपकी एक लायबिलिटी क्रिएट हो गई। अब कॉल्स इन एडवांस डेबिट कर देंगे क्योंकि उतना यूटिलाइज हो गया फर्स्ट कॉल का पैसा 2000। तो जो माधव का कॉल्स इन एडवांस लायबिलिटी बढ़ी थी वो यूज हो गई, तो कॉल्स इन एडवांस डेबिटेड। जो एरियर्स हैं वो कॉल्स इन एरियर्स डेबिटेड गिरधर के, कृष्णा के सॉरी। और जो गिरधर के नए एडवांस आ गए वो अब रिसीव हुए हैं, वो आपकी लायबिलिटी है। तो टू कॉल्स इन एडवांस डेबिट भी होगा, वो माधव का अमाउंट है। कॉल्स इन एडवांस क्रेडिट भी होगा, वो गिरधर का अमाउंट है। मजेदार एंट्री है, ध्यान से देखना। बैंक अकाउंट डेबिटेड 247,400। कॉल्स इन एडवांस ये माधव वाला अमाउंट है, माधव। कॉल्स इन एरियर्स ये कृष्णा का अमाउंट है, आपकी रेफरेंस के लिए लिख रहा हूं। जो नया लायबिलिटी क्रिएट हुई है वो गिरधर का अमाउंट है। कोई भी डाउट? नो सर। नो सर। ओके, अब क्या हुआ? कृष्णाज शेयर्स वर फॉरफिटेड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट कॉल। उन्होंने कहा रुको भाई साहब, सेकंड कॉल पे कहां जा रहे हो, कृष्णा के शेयर्स फोरफीट करो। अब कृष्णा की क्या कहानी थी? कृष्णा 100 शेयर्स फेल टू पे द फर्स्ट कॉल, तो मतलब उसने एप्लीकेशन दी, अलॉटमेंट मनी दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी बेचारे ने और उसके शेयर्स फोरफीट हो। कृष्णा 100 शेयर्स, कॉल्ड अप वैल्यू 3+2, 5, 4, 9 कॉल्ड अप फेस वैल्यू। उसने एप्लीकेशन मनी दी, अलॉटमेंट मनी दी, फर्स्ट कॉल नहीं दी, तो 1 रुपए का प्रीमियम नहीं दिया, बाकी दोनों तो दिए। यस और नो? यस सर। तो बाकी दोनों प्रीमियम इग्नोर करेंगे, 1 रुपए का सिर्फ रिवर्स करेंगे। तो जो फोरफीचर की एंट्री होगी जिसमें सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व डेबिट होता है, तो वो 1 रुपए पर शेयर के हिसाब से होगा या 4 या 6 या कुछ और अमाउंट। फीचर ऑफ कृष्णा प्रीमियम कितने अमाउंट से पर शेयर डेबिट होगा? 1, 3, 5, 4, 1 रुपीज। जो प्रीमियम नहीं मिला वो रिवर्स हो जाएगा। तो ध्यान से देखना, कृष्णा की कहानी क्या है? एप्लीकेशन 2+2 मिल गए, अलॉटमेंट 3+3 मिल गए, फर्स्ट कॉल 4+1 नहीं मिली, तो शेयर कैपिटल में 9 रुपीज जाएंगे फेस वैल्यू ऑफ कॉल्ड अप पोर्शन। जो 5 रुपए प्रीमियम मिल चुका है उसको भूल जाओ, जो शेयर फॉरफीचर में पैसा आएगा वो प्रीमियम के बिना आएगा, प्रीमियम को इग्नोर कर दो, सिर्फ 1 रुपए का प्रीमियम रिवर्स हो जाएगा। तो एंट्री क्या हुई? शेयर कैपिटल 9 रुपए पर शेयर से डेबिट होगी, प्रीमियम 1 रुपए के हिसाब से रिवर्स होगा। एरियर्स उसने फर्स्ट कॉल ही तो नहीं दी थी, 100 × 5 फॉरफीटेड शेयर्स। अब उसने पैसे दिए कितने थे? मनी रिसीव एप्लीकेशन पे कितने दिए थे? 100 × 4, 400
अलॉटमेंट पे कितने दिए थे? 100 × 6, 600, यस और नो? बट मैं बोल रहा हूं कि प्रीमियम को इग्नोर करना है, प्रीमियम को कंसिडर नहीं करना है, तो प्रीमियम कितना था? हाफ, तो 200 रुपए और 300 रुपए, तो उसने पैसे दिए कितने? 500। समझ आए 500 कैसे आया? यस सर, यस सर। क्लियर अक्षय, कुछ समझ आ रहा है क्या हो रहा है? थोड़ा थोड़ा पूरा? प्रियदर्शन पक्का? किसी को कोई भी डाउट अभी तक? नो सर। ओके आगे बढ़ेंगे। सेकंड कॉल एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड आफ्टरवर्ड्स एंड ड्यूली रिसीव्ड। अब और कोई, उन्होंने कहा कि बस अब हम थक गए हैं और नए इंसान हम स्टोरी में नहीं ला रहे हैं। बट अब जब सेकंड कॉल मांगेंगे, अब जब सेकंड कॉल मांगेंगे तो बेटा राघव प्लीज आप बताएं, टोटल 50,000 शेयर्स हैं, अब मैं सेकंड कॉल मांगूंगा तो कितने शेयर्स से मांगूंगा? सर गोपाल को इग्नोर कर देंगे। गोपाल को इग्नोर कर देंगे, गोपाल के 200 शेयर्स थे। और सर माधव के लिए, और सर सबके लेंगे बाकी। कृष्णा भाई साहब को चल बसे, कृष्णा के शेयर्स तो फॉरफिट हो गए थे फर्स्ट कॉल के बाद, यस और नो? कृष्णा के भी मांगेंगे उससे सेकंड कॉल? शर्म नहीं आएगी उससे सेकंड कॉल मांगते हुए? 49,700। ये आंसर बता सकते थे फर्स्ट टाइम? यस सर। बेसिक प्रेजेंस ऑफ माइंड, ठीक है ना, ये बात आपको सिखाई थी, बट स्पीड बढ़ाएं अंडरस्टैंडिंग की। तो 49,700 शेयर से सेकंड कॉल मांगी जाएगी, तो सेकंड कॉल जब मांगी तो 49,700 शेयर से मांगी। क्लियर है? यस सर। 3 रुपए पर शेयर, जिसमें से प्रीमियम कितना है? 2 रुपीज, 1 रुपी फेस वैल्यू थी, तो कैपिटल में फेस वैल्यू, प्रीमियम में 2 रुपीज। कोई भी डाउट? नो सर। अब और कोई एरियर्स नहीं है तो बस क्या होगा? मनी ड्यू माइनस माधव ने एडवांस दिया हुआ है, माइनस गिरधर ने एडवांस दिया हुआ है, दोनों का अमाउंट माइनस कर देंगे, दोबारा तो नहीं मिलेगा हमें, यस और नो? यस सर। तो डिटेल्स ऑफ सेकंड एंड फाइनल कॉल, मनी ड्यू 49,700 × 3, माइनस कर दो माधव के पैसे, माइनस कर दो गिरधर के पैसे, ये ऑलरेडी आपको मिल चुके हैं, तो अब इनका जो कॉल्स इन एडवांस आपके पास आया हुआ था, आपकी लायबिलिटी थी, अब वो यूज हो रहा है, तो कॉल्स इन एडवांस डेबिट हो जाएगा। तो क्या एंट्री होगी? बैंक अकाउंट डेबिटेड, कॉल्स इन एडवांस डेबिटेड। कॉल्स इन एडवांस डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि जो एडवांस आया हुआ था अब यूटिलाइज हो रहा है, तो आपकी लायबिलिटी उतने से रिड्यूस हो रही है, इसीलिए ये डेबिट होता है। टू सेकेंड एंड फाइनल कॉल, कोई भी डाउट सेकेंड कॉल तक? नो सर। लास्ट में क्या हुआ? ऑल द फोरफीटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर, फुल्ली पेड अप। कितने शेयर्स फोरफीट हुए थे? 200 + 100, 300, यस और नो? यस। शेयर्स वर रीइश्यूड एट 9 पर शेयर, फुल्ली पेड अप, 10 रुपए का शेयर 9 रुपए में रीइश्यू हो रहा है, 1 रुपए का डिस्काउंट है, फोरफीचर को डेबिट कर देंगे। रीइश्यू की एंट्री बैंक में 9 रुपीज के हिसाब से आ जाएगा, फोरफीटेड शेयर 1 रुपए के हिसाब से आ जाएगा, शेयर कैपिटल 3,000। रीइश्यू की एंट्री तो सिंपल है, कोई भी डाउट? नो सर। अब ध्यान से देखना कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व, क्योंकि सारे शेयर्स ही रीइश्यू हो गए, तो सिंपल सी कैलकुलेशन है। पहले कौन था? गोपाल। गोपाल के कितने पैसे फोरफिट हुए थे? गोपाल के हुए थे 400। और दूसरा कौन था? कृष्णा। कृष्णा के कितने? 500। तो टोटल मनी फोरफिटेड 400 + 500, 900 रुपीज फोरफिट हुए थे, डिस्काउंट आपने कितने दिया? 300। तो कैपिटल रिजर्व कितना आ गया? 900 - 300। कोई भी डाउट? 600 कैसे आया? क्योंकि सारे शेयर्स ही आपके रीइश्यू हो रहे हैं, तो टोटल अमाउंट फोरफिटेड माइनस टोटल डिस्काउंट ऑन रीइश्यू। कैलकुलेशन ऑफ कैपिटल रिजर्व सिंपल। क्लियर है?
यस सर. क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. क्या सीखे? अगर मल्टीपल स्टेजेस पे प्रीमियम हो तो कुछ इग्नोर होगा, कुछ नहीं होगा, उसके भी पापा निकले. ये नॉर्मल एक दो लोगों में भी ये कहानी समझा सकते थे हमें, उन्होंने लोग भी बढ़ा दिया, तो उससे अच्छा क्या हो सकता है कि कॉल्स इन एरियर्स भी रिवाइज हो गया, कॉल्स इन एडवांस भी रिवाइज हो गया, फॉर फीचर एट प्रीमियम व्हेन प्रीमियम रिसीव्ड भी रिवाइज हो गया, फॉर फीचर एट प्रीमियम व्हेन प्रीमियम नॉट रिसीव्ड वो भी रिवाइज हो गया. हमें तो थैंक यू बोलने चाहिए ऐसे क्वेश्चंस को, मजा आता है, कॉन्सेप्ट रिवाइज हो जाते हैं. क्वेश्चन नंबर 74.